आपके स्मार्टफोन में आपको रेगुलर अपडेट्स मिल ही जाते हैं, लेकिन एंड्रॉइड टीवी बॉक्सेस में ऐसा नहीं हो रहा। सिर्फ एक कंपनी ऐसी है जो रेगुलर अपडेट्स दे रही है। इस वीडियो में लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। VR टेक फिल्म्स, अमेजिंग टेक वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। VR टेक फिल्म्स आपका स्वागत है। ये तीन एंड्रॉइड टीवी बॉक्सेस हैं, लेकिन यहाँ पे ना कमाल की चीजें होती जा रही हैं। एक डेढ़ साल से मैं मीकूल का बॉक्स यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड टीवी बॉक्स है। उसमें आपको जो एंड्रॉइड वर्जन है वो ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी वाला वर्जन मिलता है, वॉइस रिमोट मिलता है, काफी स्मूथ परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ पे जब से A95X3 मैंने यूज किया है ना, अब इसमें वो एंड्रॉइड टीवी वाला वर्जन नहीं मिलता। इसका इंटरफेस जो है काफी हद तक मोबाइल जैसा है। ये H96 Max का X3, इन दोनों में ना जो हार्डवेयर है वो सेम है, यानी एमोलॉजिक का लेटेस्ट चिपसेट, लेकिन परफॉर्मेंस ना मुझे A95X की ही अच्छी लगी। अब यहाँ पे सिमिलैरिटीज हैं इसमें बहुत ज़्यादा, हार्डवेयर को लेके, सॉफ्टवेयर को लेके, लेकिन जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो A95X3 का बढ़िया है। मीकूल जो है सर्टिफाइड टीवी बॉक्सेस है, लेकिन एंड्रॉयड अपडेट्स अभी तक इस बॉक्स में मुझे नहीं मिली है, लेकिन A95X3 में ऐसा नहीं है, रेगुलर अपडेट्स मिल रही हैं। चलिए टीवी पर कनेक्ट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जियो के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दिया है, वाईफाई मेरा घर का जो है वो चल नहीं रहा है। ये A95X3 पड़ा है, मीकूल पड़ा है, नीचे मेरा हैथवे का सेट टॉप बॉक्स पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने A95X3 को टीवी पे कनेक्ट कर दिया है। सेटिंग में जाऊँगा, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाऊँगा। हर बॉक्स में सॉफ्टवेयर अपडेट की सेटिंग होती है, लेकिन मिलते नहीं। A95X3 जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, दो बार सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल चुके हैं, सिक्योरिटी पैच वगैरह अपडेट नहीं मिला है। लेकिन जो ये क्या होता है ना, नॉर्मली बग्स आ जाते हैं, वो फिक्स करने के लिए हमें एक अपडेट चाहिए ही चाहिए। तो A95X3 इस मामले में बढ़िया है। बहुत सारे टीवी बॉक्सेस इसके अलग अलग आते हैं, और ये सब में ही जो है अपडेट्स देता रहता है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट है, बस मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। जब भी आपके एंड्रॉइड टीवी बॉक्स में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, ध्यान रखिए अगर बीच में लाइट चली गई, बिजली चली गई ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे अपडेट छोटा सा है, और यहाँ पे अपडेट में सिर्फ यही लिखा है कि दो बग्स जो हैं वो इन्होंने फिक्स किए हैं। फटाफट से अपडेट हो चुका है, रीस्टार्ट हो जाएगा टीवी आपका। तो जैसे ही आपका टीवी रीस्टार्ट होगा, उसके बाद में इस तरह कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे स्मार्टफोन्स में भी मिलता है, और उसके बाद में यहाँ पे जो है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो A95X3 जो बॉक्स है वो H96 Max X3 से बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, ये मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या फील किया था पहले। पहले मैंने ये फील किया था, जब मैं इसको ऑन करता हूँ कई बार से स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जाती है टीवी पे। मैंने सोचा मेरी HDMI केबल ख़राब है, पता नहीं था। लेकिन जब से ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, इस अपडेट के बाद में वो दिक्कत ख़त्म हो गई है। तो यानी हल्के फुल्के जो बग्स रहते हैं वो फिक्स हो गए हैं। तो A95X, ये देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। A95X, इसके अलग अलग वर्जन है। मैं A95X X3, यानी कि एमलॉजिक का S905X3 चिपसेट है इसमें। तो X3 वाला जो है ये टीवी बॉक्स मुझे वाकई में बहुत बढ़िया लगा। 2020 में अगर ये टीवी बॉक्स की बात करूँ तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे जो बग्स फिक्स हुए हैं, अब क्या बग्स हैं उसकी डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्मूथ हो चुकी है परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा। और यहाँ पे मेरे को जो फील हो रहा है इसमें, जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम वगैरह पहले मैं जब लोड करता था उसमें डिले होता था, अब वो डिले भी नहीं है। तो बग्स यानी जो हल्के से थे वो फिक्स हो चुके हैं। तो सीधी सी बात है, H96 का X3 हो या ये A95 का X3 हो, A95X3 ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल रहे हैं। दो तीन महीने में एक बार अपडेट फिलहाल तो मिल रहा है, आगे का पता नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि मिल रहा है अपडेट। और इससे पहले जो मैंने A95X का जो बॉक्स यूज़ किया है तकरीबन 2 साल पहले, उसमें भी मुझे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिले थे। तो ये एक बेटर चॉइस रही। अगले वीडियो में मिलते हैं।